देखिए तीन कॉन्सेप्ट्स हमने बात की, तीन कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है, साधन विहीन है ना, दुखी दरिद्र। तो साधन विहीन दुखी दरिद्र तो होगा ही होगा, क्योंकि अगर साधन ही नहीं है, अगर फिजिकल फैसिलिटीज ही नहीं है, अगर उसके पास वेल्थ या जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ है ना, जो से फूड क्लोथ एंड शेल्टर के बारे में हम बात करते हैं, तो वो उसके पूरे नहीं हो रहे हैं, तो वो दुखी दरिद्र हो गए, ठीक है, वो हैप्पीनेस नहीं अटेन कर सकता, बिकॉज यू कैन यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इवन, ठीक है। तो वो चीज है, तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है दैट यू नीड टू हैव फिजिकल फैसिलिटीज। दिस इज द फर्स्ट थिंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दिस कोर्स। तो फिजिकल फैसिलिटीज आर इंपॉर्टेंट, दैट दिस इज एस्टैब्लिश्ड बाय द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, सेकेंड पॉइंट ये कह रहा है कि साधन संपन्न है कोई, है ना, फिजिकल फैसिलिटीज उसके पास है, फिर भी दुखी दरिद्र, तो SSGD हो रहा है। तो SSGD क्या हो रहा है, SSGD हो रहा है मतलब कि साधन तो है उसके पास, फिजिकल फैसिलिटीज हैं, वेल्थ है, लेकिन फिर भी व्हाट दैट पर्सन इज स्टिल नॉट हैप्पी, दैट पर्सन इज नॉट एबल टू थिंक दैट ही इज प्रॉस्परस और ही हैज मोर देन व्हाट ही रिक्वायर्स। उस इस ये जो है ना, दिस इज द डिजीज व्हिच वी नीड टू यू नो रेक्टिफाई इन पीपल, है ना, ये जो बीमारी है ना इसको ठीक करना बहुत जरूरी है ना। एंड ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है कि हमारे पास होने के बाद भी हम मानते नहीं कि हमारे पास है, हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए, इसके कारण से और दुखी और दुखी और दुखी। दिस इज द थिंग, वो एक अंग्रेजी में कहावत भी है ना, दैट देर इज एनफ इन दिस वर्ल्ड फॉर एनी वंस नीड बट देर इज नॉट एनफ इन दिस वर्ल्ड फॉर समवंस ग्रीड। और हमें कौन सा स्टेज पहुंचना है उसके बारे में अगर बात करने के पहले मैं आपसे ये पूछूं कि क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि SVSS हो, साधन विहीन सुखी समृद्ध हो सकता है क्या? तो उसका आंसर है नो। क्यों नहीं हो सकता? आप देखो तीन कैटेगरी, चार कैटेगरीज हो सकती थी, पर वो चौथी कैटेगरी क्यों नहीं होती, क्योंकि अगर साधन विहीन है कोई तो वो कभी भी सुखी समृद्ध नहीं हो सकता। तो फिजिकल फैसिलिटीज इज अ मस्ट एंड इट इज नेसेसरी, इस चीज को कोई नहीं नकार रहा। तो अब आपको स्टेज कौन सा पहुंचना है, S-4, SSSS, साधन संपन्न सुखी समृद्ध। साधन संपन्न सुखी समृद्ध क्या है, साधन संपन्न सुखी समृद्ध मैं, सुशैश, सुमंता, सारथी, शर्मा। What does it mean? It precisely means that you have what you require and you understand also that what you require is something which you have or you have more than what you require. Now, once you reach this stage, you are happy. Once you reach this stage, you are prosperous. लेकिन अगर आप इस स्टेज तक नहीं पहुंच रहे या इस स्टेज तक नहीं जा पा रहे हो, तो irrespective of the fact that you have the best in this world, the riches of this world, but the people will spend a fortune what you have with you, but you are not happy because you are really not having the kind of relationships which you require or you do not have the understanding which you require, hai na? To agar aap greed ko dekhe to wo to 1% ki bhi puri nahi ho sakti. Not even a single person, and I'm not talking about a single percent of people on this world. 1% ki greed ko is universe ki jitni bhi physical facilities hain, jitna bhi natural resource hai, wo pura nahi kar sakta. Agar greedy hai to. Aur jo need hai, to abhi jitne hain uske 5-10 time aur bhi zyada aa jaye to bhi this earth will sustain us. To wo nahi hai. Agar understanding nahi hai, need nahi samajh mein aata hai, aap greedy ho gaye, then इट्स कर्टेंस फॉर अस। और अगर आप अपनी नीड बेस्ड सिस्टम को समझेंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर आप नीड बेस्ड सिस्टम को नहीं समझ पा रहे हैं और आपको ग्रीड बेस्ड सिस्टम में जाना है तो बिलीव मी नथिंग एंड नो थिंग इन दिस वर्ल्ड, इन फैक्ट आई शुड नॉट से विद नथिंग, नो थिंग इन दिस वर्ल्ड विल मेक यू हैप्पी। द मंत्रा इज S-4.